हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और मेरी उम्र के नौजवानों, यू आर प्रो। तो फिलहाल मेरी शक्ल बहुत सड़ी सड़ी ही लग रही है, ऐसा नहीं है, शक्ल अच्छी और बुरी होने में कोई फ़र्क नहीं है, पर अपने आपको पता होता है कब आपकी शक्ल फ्रेश है और कब आप पालक के पत्ते की तरह मुरझा गए हो। तो फिलहाल मैं मुरझाई हुई हूँ क्योंकि मैं ऑफिस से आके कर रही हूँ रिएक्शन, बट खुशी की बात थी कि मैं जल्दी आ गई थी, तो थोड़ा मैंने सुस्ता लिया, अपना आलस दूर कर दिया और मैं आ गई हूँ एक वीडियो लेके। और वीडियो है एज़ यूजुअल सिद्धू मूसेवाला जी की, पाजी की बोले करो बोला लोगों ने, पर मेरे मुँह से बहुत बनावटी लगेगा। मैं सिद्धू मूसेवाला जी इसलिए बोलती हूँ, जी जरूर लगाती हूँ, ऐसा नहीं, कभी कभी सिद्धू मूसेवाला ही लगाती हूँ क्योंकि उससे अपनापन आता है मुझे, और पाजी लगा के मेरा थोड़ा बनावटी लगता है, और मेरे से बड़े हैं मुझे पता है, एक कमेंट बोला था लोग किसी ने, पर कभी कभी अपनापन आ जाता है किसी वर्ड्स को बोलने में, उसका मतलब ये नहीं आप किसी की डिसरिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। और ये मैंने इतनी लंबी लाइन कभी कभी ऐसे भी बोल देती हूँ, ऐसा नहीं मुझे कोई चिड़बिड़ लगती, थोड़ा सा बकवास कर देती हूँ मैं। तो आज हमारी ये प्रथा है कि मैंने, वैसे तो मैं कभी भी किसी एक इंसान की सीरीज़ पूरी तरह से चला नहीं पाती हूँ, पर फिर भी मैं इनकी चलाती हूँ क्योंकि लोग बहुत पुश करते हैं कि इनके गाने लाओ गाने लाओ, तो मैं करती हूँ, वरना मैं नहीं करती हूँ, साफ बात है। मेरे को अगर लोग बोलेंगे ही नहीं कि कोई चीज़ करो, तो मैं फिर अपने मन की चीज़ें उठाऊंगी ना, लेकिन कहते हैं तो मैं बराबर बना के रखती हूँ, दो चार वीडियो के बाद मैं हमेशा एक सिद्धू मूसेवाला जी वीडियो लाती लाती हूँ। बट आप लोगों का एक काम है कि उसको नीचे मुझे फटाफट अगला सॉन्ग क्या होना चाहिए वो लिख दो, है ना, मतलब तीन चार गाने लिख दो, जिससे कि मुझे फिर आगे छाटना ही ना पड़े, इतनी लाइट कम क्यों हो रही है, हाँ छाटना ही ना पड़े कि कौन सा गाना उठाना है। फिलहाल मैंने उठाया है एवरीबडी हर्ट्स, ये गाना पता नहीं क्यों उठाया, मैंने एक दो कमेंट में देखा था या क्या देखा था, तो मेरे को लग रहा है कि मैं ज़रा उठा लूँ। तो आ जाओ फटाफट से जरा सुन लेते हैं क्या है इस गाने में, किस तरह का ये गाना गाया गया था, किस तरह का ये, किस तरह की जगह पे फिट होता है ये गाना, अच्छा लगा या नहीं लगा, बाकी कुछ बातें हम बीच में अपनी चटपटी घुमाते रहेंगे, चलो। ऑडियो ही है तो प्लीज़ मेरे को इस बार कोई ये नहीं कहेगा कि देखो 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 स्क्रीन में आँख फोड़ के घुसा दो अपनी आँखें, मैं देखूंगी ऐसे ही। गर्मी बहुत हो रही है, मोटापा हो रहा है यार, भगवान जी मोटा नहीं होना है, चलो गो। इट्स जेपी, वॉल्यूम बहुत अच्छी आती है यार, आसे पासे में लेने पर फील अलोन करा, कोले फोन ता दो दो ने पर कीनू फोन, वाओ यार सब कुछ ता हो गया है तैनू की नियो लगदा, बाकी ता खैर कुड़े नी मेरा जी नियो लगदा, बाकी ता खैर कुड़े मेरा जी नियो लगदा, वाओ यार बाकी ता खैर कुड़े जिंदगी जी चंगी नहीं लगती, पता नहीं की चले खलाक च दिल दे नेड़े तां दसदा रहना, तू मेरे दिल के क्लोज है इसलिए तेरे को दस रहा हूँ, तो तेरे को बता रहा हूँ यार, बहुत प्यारी लाइनें लिखी है। अब कोई मुझसे ऐसा कहेगी कि आज आपका, एक बार मैंने कमेंट पढ़ा था आज आपका कुछ थोड़ा ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं होता यार, थोड़ा ज़्यादा इसलिए नहीं होता, वो मेरे को पसंद आती है, आपने क्या पता बहुत सारी वीडियो में ऐसा देखा हो कि कोई चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा पसंद की हो मेरे को ना पसंद आई हो, ऐसा होता तो नहीं है खासकर, मेरे को आ जाती है पसंद चीज़ें, लेकिन यार आती है यार मेरे को पसंद, तभी ऐसा होता है, बस एक बता देती हूँ जनरल बात, बाकी तो लगना कहाँ छोड़ सकते हैं हम, जिसको जैसा लगता है वो हम रोक थोड़ी सकते हैं, आ जाओ। तो मेरे को बहुत जोर से लगा ये गाना, प्यारा लग रहा, मतलब ये गाना कौन सा नहीं लगता है मेरे को, तवे तो हसदा रहना या सब इन्ना जादे है होरा भी नहीं हो लगदा, बाकी ता खैर कुड़े मेरा जी नहीं हो लगदा, बाकी ता खैर कुड़े मेरा जी नहीं हो लगदा, बाकी ता खैर कुड़े मुद्दतां दा परिया हां हुण डुलना चाहुणा आ, अच्छा मैं कीते कातों आ सब भुलना चाहुणा आ,
ਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਏ ਚੁੱਪ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਓਹੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲਵਿਦਾ इट्स ओके टू नॉट बी ओके एक तो वो भी है ना कोरियन सीरीज भी है कि इट्स ओके टू नॉट बी ओके वाओ यार इट इज़ ओके यू आर नॉट अलोन इट इज़ ओके टू आस्क फॉर हेल्प और क्या है ओके और ओके है कि रिएक्शन करते रहो नहीं इट इज़ ओके थोड़ा आलसी रहना इट इज़ ओके कंसिस्टेंसी पे वीडियो ना बनाना इट इज़ ओके थोड़ा जिंदगी में मजे लेते रहना जो कि मैं हूँ तो नहीं गाना बहुत प्यारा था कुछ भी ऐसा गलत नहीं मतलब ऐसा निकलता ही नहीं है मेरे मुँह से ये गाना ख़राब था पर ऐसा ज़रूर कहूँगी कि मेरे को ये गाना थोड़ा सा कम लगा ज़्यादा लगा लेकिन ये गाना कम नहीं लगा है तो इसलिए नहीं कहूँगी बहुत प्यारा सा गाना लगा 2 मिनट 46 सेकंड मुझे ऐसे छोटे छोटे गाने हों प्यारे प्यारे गाने बड़े अच्छे लगते हैं लंबे गाने भी अच्छे लगते हैं लेकिन जब वो पूरी तरह से बांधे रखते हैं तभी वरना 2.5-3 मिनट के गाने जो कि जितना कम हो लेकिन उतना पावरफुल हो मज़ा आता है सुनने में तो बहुत प्यारी प्यारी लाइन बोली उन्होंने कि बस मेरा मन करता है कि सब कुछ अब तेरे सामने उगल दूँ है ना और क्या क्या था मतलब प्यार प्यार पे ऊपर तो तुम कितना ही बोल सकते हो ठीक है तो यही उन्होंने बताया है और इसमें मैं अपनी चीज़ें क्या जाहिर करूँ मैं भी प्यार की पुजारी ही हूँ है ना तो अगर आप लोगों को मेरे साथ कोई भी चीज़ देखनी अच्छी लगती हो और क्या बोल सकते हो गाने में तारीफों के लिए और क्या बच गया तारीफों के लिए बच गया कि सिद्धू मूसेवाला जी ने लिखा बहुत प्यारा गाया बहुत अच्छी तरह हर चीज़ बहुत अच्छी तरह कर रखी है और ये बात मैं सबसे ज़्यादा कहना चाहती हूँ कि मैं जैसे कोई गाना सुनती हूँ ना तो अगला गाना मुझे अगर उससे डिफरेंट नहीं लगे सब सेम ही सेम जैसा लगे तो मुझे मज़ा नहीं आता बहुत सारे आर्टिस्ट जिनको मैं सुनती हूँ उनका मुझे बहुत सारी चीज़ें सेम सी लगती हैं कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि अगला की चीज़ अलग आए लेकिन सिद्धू मूसेवाला जी की जो भी चीज़ मैंने उठाई है उससे अलग ही गाना मैंने सुना है अलग ही रिदम पे अलग ही बीट पे तो बहुत मज़ा आता है इसलिए मेरे को इनका अगला गाना सुनने के लिए कभी ऐसा प्रेशर फील नहीं होता कि मेरे को मज़ा नहीं आएगा सेम ही टाइप के गाने होते नहीं मुझे पता होता है कि अगला गाना कुछ डिफरेंट होगा तो मैं सुनती हूँ तो अगर आप लोगों को मेरे साथ कोई भी चीज़ देखना पसंद आता हो रिएक्शंस अच्छे लगते हो तो लाइक मारना शेयर करना सब्सक्राइब करना मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में बाय टेक केयर एंड टाटा सांस बहुत ज़्यादा बोल गई ना